शांति, आज 2 अक्टूबर 2024 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध यानी पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं, महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं, रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो, भल छोटे चित्र ही हो, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं, तो मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है जबकि असल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना, तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगतनाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं, बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं, भाइयों और बहनों आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके, तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है, कामचिता पर बैठने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर यह
पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाऊं, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना, देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए, सर्विस कैसे करें। वह भी बाप समझाते रहते हैं, सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें, यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करतना लागीवार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुराने का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतु प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहां भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहां नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है, यह तो इम्प्योर है ना। 5 तत्व ही इम्प्योर है, शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा
सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं, उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिकरात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतु प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतु प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतु प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतु प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है। फ्लड्स हो जाती हैं तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देंगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सुपतित पावन तो एक बाप है, भल वह जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सतगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरे की फिकरात में रहते हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं
भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते हो ना, याद तब करते हो जब कोई दुख होता है, मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं, जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वह फिर कहते राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं, हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कल कलेश बीमारी आदि जो भी हैं सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, कल कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं, तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना यानी सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरण करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहां बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नोंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा, कहां साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का श्री कृष्ण का शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहां, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं,
तुम भी समझते हो, हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है, थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बगैर तो रह ना सके, फैमिन में भोजन बगैर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल, जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात की फिकरात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान है स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आऊं, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।